देहरादून में प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर जनरल ओबीसी कर्मचारी एसोसिएशन ने सड़कों पर मशाल जुलूस निकाला और इसके साथ ही कर्मचारियों ने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा का पुतला दहन किया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द डीपीसी पर लगी रोक को हटाए, नहीं तो 2 मार्च से प्रदेश भर में कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, अभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये मशाल जुलूस आपके सामने, ये भीड़ ये इस बात के लिए संकेत देना चाहती है सरकार को कि सरकार इस मशाल जुलूस के माध्यम से, हमारा आक्रोश है, सरकार इस डीपीसी पर लगी रोक को तत्काल हटाए और एक जो वहाँ की स्थिति राज्य में बनी है इसे समाप्त करे। तो इस मशाल जुलूस के जरिए अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए तो प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर जनरल ओबीसी कर्मचारी एसोसिएशन ने सड़कों पर उतरकर किस तरह से मशाल जुलूस निकाला वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कर्मचारी ने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा का पुतला दहन भी किया। तो नाराजगी साफ तौर पर लगातार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कर्मचारी वर्ग में बनी हुई है। हालांकि इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द डीसी पर लगी रोक को हटाए, नहीं तो ये नाराजगी उग्र रूप भी ले सकती है। तो प्रदेश भर में कर्मचारी 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी सरकार को, इस चेतावनी का असर सरकार पर किस तरह से रहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर आमने सामने की लड़ाई के मूड में इस वक्त कर्मचारी वर्ग है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से मशाल हाथों में लिए सड़कों पर उतरे हैं ये कर्मचारी वर्ग। तो आरक्षण में प्रमोशन को लेकर ये नाराजगी इनमें बनी हुई है और साफ तौर पर सरकार को 2 मार्च तक का अल्टीमेटम यहां पर दिया गया है। अगर सरकार मांग नहीं पूरा करती है तो ये जो नाराजगी है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी। तो अपनी नाराजगी को जाहिर करते न सिर्फ जुलूस यहाँ पर निकाला गया बल्कि कर्मचारियों ने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा का पुतला भी फूंका और जल्द डीपीसी पर लगी रोक को हटाने की मांग रखी है। तो साफ तौर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और इसी बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंकज पवार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी वर्ग सड़कों पर मशाल जुलूस निकालता नजर आया। बिल्कुल आशिमा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रमोशन पर आरक्षण पे कर्मचारी वर्ग नाराज है, और अभी तो मशाल जुलूस का कार्यक्रम था कल, और साथ में जो प्रदीप टम्टा है राज्यसभा सांसद, उन्होंने जो बयान दिया था उसका पुतला दहन किया था। लेकिन कर्मचारी यही नहीं रुकेंगे और 2 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा है, और अगर तब तक सरकार ने नहीं रोका तो फिर प्रदेश में परेशानी के माहौल और हालात जो है वो कर्मचारी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख से विधानसभा सत्र भी है गैरसैंण में, और अगर कर्मचारी ही काम नहीं करेंगे तो फिर विधानसभा सत्र और बजट सत्र कैसा होगा, ये भी कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में होगा। हालांकि आज जो प्रदेश के शहरी विकास मंत्री हैं और जो प्रवक्ता भी हैं सरकार के, उन्होंने 12 बजे कर्मचारियों को आने का निमंत्रण दिया है और बातचीत करने का निमंत्रण दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कर्मचारी मान पाते हैं या फिर उनका आंदोलन जारी रहता है। लेकिन कुल मिलाकर आज जरूर सरकार जो कर्मचारियों के जो ऐलान है उससे जरूर कहीं ना कहीं सकपकाई है, उसकी वजह से अब उनसे बातचीत का रास्ता खोला जा रहा है। जी चलिए पंकज, फ्लाश शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।